आप अपना नाम सबसे पहले बता दीजिए। सरोज पटेल बोल रहा है, पटेल डेयरी। अच्छा, और ये डेयरी फार्म कब से कर रहे हैं? लगभग 8 साल हो गए। 8 साल। और जब डेयरी फार्म शुरू किए थे तब कितने भैंस थे? 2000। यहाँ भैंस बस है कि गाय भी है? गाय भी है। और गाय में कौन सी नस्ल है वैसे? गिरी नस्ल है, साहिवाल नस्ल है, होल्स्टीन है। अच्छा, देसी नस्लें हैं। तो देसी नस्लों में सबसे ज़्यादा गाय कितनी लीटर तक देती होगी? हाईजेस्ट 10 लीटर। 10 लीटर। ये भैंसों में कितने कौन कौन से नस्ल होंगे? मुर्रा है, मुर्रा और वो है, मुर्रा नस्ल की ज़्यादा है। देसी में है, दोगला में है, और झाबड़ा क्या कहते हैं, 16 लीटर तक। हमारे पास 16 लीटर के भैंस है। अच्छा, तो टोटल कितने भैंस होंगे यहाँ? 18 भैंस। और दूध कितना हो जाता होगा एक दिन का? 2.5 क्विंटल। कितना? 2.5 क्विंटल। 2.5 क्विंटल दोनों में चाहिए। और किस रेट पे बेचते हैं? वैसा रेट पे बेचते, 50-60। ऐसा। तो यहाँ कोई लेने आता है कि डायरेक्ट लेने मार्केट भी आते हैं और सप्लाई भी? ऐसा। तो कोई बिचौलियों को भी देते हैं कि? खाने वाले सब लेते हैं। ऐसा, मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग होता है ना। और गाय भैंसों को क्या खिलाते हैं आप? वो देते हैं, चोकर देते हैं, चुनी देते हैं, फल बिनौला पर हरी पशु आहार, चारा आता है। हरा चारा आता है? हरा चारा। हरा चारा आप खरीदते होंगे? हाँ, 4 रुपये किलो। 4 रुपये किलो। तो हरा चारा में कौन सा? बरसीन की? बरसीन है, इस समय बरसीन आ रहा है। ऐसा। तो चलिए, वैसे आपको क्या लगता है कि दूध बढ़ाने के लिए क्या खिलाना चाहिए? मैं हो गए देते हैं, गुड़ दे देते हैं, कभी तेल दे देते हैं। गुड़ तेल से भी जानवर स्वस्थ रहते हैं, फिर दूध भी बढ़ाते हैं। और तेल पिलाने से पेट भी साफ होता है अच्छे से। और आप सीमन किसका यूज करती हैं? सीमन गिरी नस्ल है, होल्स्टीन है, साहिवाल है, मुर्रा है। डॉक्टर को बुलाते हैं या डायरेक्ट? और लॉकडाउन में आपको प्रॉब्लम हुआ था दूध का? जब लॉकडाउन हुआ था कोई मार्केटिंग में कोई समस्या आई थी? बंद रहे मार्केट, तो बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ जी। जानवर को चारा खिलाना मुश्किल पड़ गया, इतना महंगा हो गया था, और दूध जा ही नहीं रहा था, दूध बंद रहा। और आप जब डेयरी फार्म शुरू की थी तो कितने गाय भैंस थे उस टाइम? दो थे। तो लगभग कितने में आप खरीदे रहे होंगे? कितने में खरीदी होंगी? 1,20,000 की जोड़ा आए। कितने की? 1,20,000। 1,20,000 की। और इस टाइम वैसे अगर किसी को खरीदना हो मुर्रा भैंस तो कितने की आती होंगी? 1,00,000 से ऊपर। और देसी नस्ल में जैसे गिर, साहिवाल? 70,000, 80,000, 60,000। और डेयरी फार्म अगर किसी को करना हो तो कौन सी नस्ल के ऊपर काम करना चाहिए? मुर्रा ले लेंगे, नस्ल गाय ले लेंगे, साहिवाल ले लेंगे। और डेयरी में देसी नस्ल की गाय चलती हैं? हाँ चलती हैं। नहीं, ज़्यादातर जैसे कि एचएफ रखते हैं, जर्सी रखते हैं? देसी गाय अपने पास है, ऐसा 3-4 गाय है देसी खुली। और आप जैसे भूसा हो गया तो आप खरीदते हैं या खुद ही? सब खरीदते हैं, जितना चारा है। फायदा होता है कि? कोई फायदा नहीं, हर चीज़ महंगाई है, अब दूध का रेट बढ़ नहीं रहा है, रेट है। अब भूसा दाना चारा हर चीज़ रेट तेल बढ़ा दिए, तो गाड़ी में भी हर चीज़ से महंगाई है, तो दूध में कोई फायदा नहीं। अगर कोई जैसे कि नौजवान लोग करना चाहें तो ये डेयरी फार्म सक्सेसफुल नहीं होता? महंगाई के हिसाब से नहीं होता, रेट बढ़ जाए तो होता। और आप भूसा कितने रुपए किलो वैसे खरीदते हैं? 10 रुपए खरीदते हैं। और आगे आपका कोई मतलब प्लानिंग है फ्यूचर में कि बढ़ाना है? बढ़ाना है तो महंगाई के हिसाब से बढ़ाना। और आप मतलब खिलाने में कितने परसेंट तक आपका बचत में आ जाता होगा? बचत में महंगाई में ऐसा, तो कितना परसेंट मतलब लगता होगा गायों में? 2,00,000 खा लेती हूँ, एक भैंस 300 रुपये। 60-70% मतलब गायों में लग जाता है? देते हैं, चोकर देते हैं, चुनी देते हैं, फल बिनौला पर
हरा चारा आप खरीदते होंगे? चार रुपए किलो। तो हरा चारा में कौन सा? बरसीन की? बरसीन है, इस समय बरसीन आ रहा है। ऐसा तो चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि दूध बढ़ाने के लिए क्या खिलाना चाहिए? मैं हो गया, ये देते हैं गुड़ दे देते हैं, कभी तेल दे देते हैं, गुड़ तेल से भी जानवर स्वस्थ रहते हैं, दूध बढ़ा। और तेल पिलाने से पेट भी साफ होता है अच्छे से। और आप सीमन किस का यूज करती हैं? सीमन गिरी नस्ल है, होलिस्टियन है, साहिवाल है, मुर्रा है। डॉक्टर को बुलाते हैं या दवाई? और लॉकडाउन में आपको प्रॉब्लम हुआ था दूध का? जब लॉकडाउन हुआ था तो मार्केटिंग में कोई समस्या आई थी? मार्केट तो बहुत नुकसान हुआ था। नुकसान हुआ जी, चारा खिलाना पड़ गया, इतना महंगा हो गया था, दूध जा ही नहीं रहा था, दूध बंद रहा। और आप जब डेयरी फार्म शुरू की थी तो कितने गाय थे उस टाइम? दो थे। तो लगभग कितने में आप खरीदे रहे होंगे? कितने खरीदी होंगी? कितने की? 1,00,000। और इस टाइम वैसे अगर किसी को खरीदना हो मुर्रा भैंस तो कितने की आती होंगी? 1,00,000। और देसी नस्ल में जैसे गिर साहिवाल? 70,000-80,000-60,000। और डेयरी फार्म अगर किसी को करना हो तो कौन सी नस्ल के ऊपर काम करना चाहिए? मुर्रा ले लेंगे, साहिवाल। और डेयरी में देसी नस्ल की गाय चलती हैं? हाँ चलती हैं। वो ज़्यादातर जैसे कि एचएफ रखते हैं, जर्सी रखते हैं? देसी गाय अपने पास है, 3-4 गाय देसी खुली। और आप जैसा भूसा हो गया तो आप खरीदते हैं या खरीदते हैं? हर सब खरीदते हैं, जितना चारा है। और कितने?